बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं यहां पर चार पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में दो दो लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या ये हमको यूनिक सॉल्यूशन देंगी, नो सॉल्यूशन देंगी या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस की। तो बेटा देखिए, अगर आपके पास है एक लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और लीनियर इक्वेशन बना दी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। पर जैसा कि आप जानते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस के अगर कॉफिशियंट सेम हो गए, एक्स के कॉफिशियंट वाई के कॉफिशियंट कॉन्स्टेंट, अगर ये एकदम ही सेम हो गए तो दोनों लीनियर इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं ए वन बी वन सी वन, और यहां पे लिख देता हूं ए टू बी टू और सी टू। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस अलग अलग हैं। ठीक है बेटे, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, इनके जो कॉफिशियंट्स हैं एक्स और वाई के, वो अलग अलग कर दिए हैं, तो वन टू लिखने से वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक ठीक है, तो देखिए बेसिक बात ये है कि अगर एक्स के कॉफिशियंट्स का रेशियो, यानी कि ए वन बाय ए टू, एक्स के कॉफिशियंट्स का रेशियो और वाई के कॉफिशियंट्स का रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आता है तो दोनों लाइंस आपको यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। दोनों का रेशियो बराबर नहीं आता है तो ऐसे केस में दोनों लाइंस आपको यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, जिसका मतलब यह है कि इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी ऐसी होगी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेंगी और वही पॉइंट आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है बेटे, अच्छा तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर ये कंडीशन हुई तो फिर यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा, अब ये याद रखना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, अगर एक्स के कॉफिशियंट्स यानी कि ए वन बाय ए टू, वाई के कॉफिशियंट्स यानी कि बी वन बाय बी टू, ये दोनों हो बराबर, ये दोनों हो बराबर, और सी वन बाय सी टू यानी कि कॉन्स्टेंट्स के रेशियो ये इनके बराबर ना हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है। और ग्राफिकली इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों पैरेलल होंगी, यानी वो दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ठीक है बेटा, तो जब वो नहीं काटेंगी तो फिर वहां पर आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसका मतलब आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो ये है केस नो सॉल्यूशन का। आई होप क्लियर हो गया आपको। और अब हम बात करते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन तब मिलता है जबकि एक्स के कॉफिशेंट, ये लिख लीजिएगा बेटा, एक्स के कॉफिशेंट वाई के कॉफिशेंट्स यानी बी वन बाय बी टू और कॉन्स्टेंट्स, ये सब सेम हो जाए, और कॉन्स्टेंट्स ये सब सेम हो जाए, सब इक्वल हो जाए ये रेशियो, तो फिर हम कहते हैं कि जो हमको मिला है वो है इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ऐसा ग्राफिकली कैसे पॉसिबल है, ऐसा ग्राफिकली तब पॉसिबल है जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ये है
तो दूसरी लाइन ठीक इसी के ऊपर होगी। ठीक है, अभी तो रफली मैंने बता दिया, जब दो लाइन एक के ऊपर एक होती हैं तो वहां पर वो एक दूसरे को इन्फिनिट पॉइंट्स पे टच करती हैं और आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस भी हम बोल देते हैं। मेरी बात समझ गए? तो ये मैंने आपको ये यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन समझा दिया। अब आगे की बात यह है कि इन केस देर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट वन। तो पार्ट वन अभी देखिए, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इजगल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू, तो ये ए एक्स प्लस बी प्लस सी इजगल टू जीरो टाइप हो गई। ठीक है, अब आपको यहां माइनस दिख रहे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली कॉफिशियंट्स की वैल्यू ही नेगेटिव हो जाती है। अभी मैं समझा देता हूं आपको। अब देखिए, एक्स की कॉफिशियंट है यहां पर वन, जब कुछ नहीं लिखा तो वन है, और यहां एक्स का कॉफिशियंट है थ्री, तो ए वन है वन, ए टू है थ्री, और ए वन बाय ए टू होगा वन बाय थ्री। अच्छा, वाई का कॉफिशियंट है माइनस थ्री, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो कॉफिशियंट की वजह से है, कॉफिशियंट माइनस थ्री है, तो बी वन है माइनस थ्री, बी टू है माइनस सेवन, बी टू है माइनस नाइन, और बी वन बाय बी टू करेंगे तो माइनस थ्री बाय माइनस नाइन कैंसल होकर आ जाएगा वन बाय थ्री। मेरी बात समझ गए? तो ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू इक्वल हो गए। अब सी वन होता है ये कॉन्स्टेंट माइनस थ्री, सी टू होता है ये कॉन्स्टेंट, साइन के साथ लिखना है, माइनस थ्री बाय माइनस टू इनका रेशियो भी हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया तो थ्री बाय टू बच गया। अब आप देखिए, ए वन बाय ए टू है वन बाय थ्री, बी वन बाय बी टू है वन बाय थ्री, दोनों इक्वल हैं, पर सी वन बाय सी टू वन बाय थ्री नहीं है। तो फिर जब पहले दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो ऐसा केस होता है नो सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन का केस। अब इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यूनिक सॉल्यूशन होने पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो नो सॉल्यूशन हो गया, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो बेटे यहां पर ए वन टू है, ठीक है, बी वन वन है, पर ये सी जो है वो राइट साइड में है, तो ये तो नहीं चलेगा, इसको लेफ्ट में लाना है जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करना है तब, अदरवाइज काम चल जाता। तो मैं 5 को लेफ्ट में लाऊंगा तो लेफ्ट में आके वो हो जाएगा माइनस फाइव। ओके, लेफ्ट में होके वो बनेगा माइनस फाइव और इक्वल में जीरो। तो मैंने वहीं पे करेक्शन कर दिया उसको, आप ऐसा मत करिए, आप अगले स्टेप में लिखिएगा ऐसे ही। ये जो 8 है ये भी लेफ्ट में आके माइनस 8 हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि ए वन है टू, ए टू है थ्री, तो ए वन बाय ए टू हो गया टू बाय थ्री, बी वन यानी इस वाई का कॉफिशियंट वो है वन, कुछ नहीं लिखा तो वन है, और बी टू यानी इसका कॉफिशियंट, ठीक है, इसका कॉफिशियंट टू है वन बाय टू, तो ए वन बाय ए टू भी आ गया, बी वन बाय बी टू। अब सी वन क्या है, माइनस फाइव, और सी टू क्या है, माइनस एट, तो माइनस फाइव बाय माइनस एट, जो कि आप देख सकते हैं कि ए वन बाय ए टू ही बी वन बाय बी टू के इक्वल नहीं है, और चाहे तो आप ये नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 5/8 आ जाएगा। तो जब पहले दो ही इक्वल नहीं होते तो तीसरा देखने का कोई बेनिफिट भी नहीं होता। ठीक है बेटे, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। तो यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया है। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया है तो हमको यहां पर वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। अब वो कैसे निकलेगी, उसके लिए मैं बनाऊंगा आपके लिए फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। तो कैसे वो फार्मूला बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, मैं पहली इक्वेशन लिख देता हूं। पहली इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। और क्योंकि दो अलग अलग इक्वेशंस हैं इसलिए वन और टू भी लिखना है। तो यहां पर ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, और यहां पर लिख देते हैं ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू। तो दो इक्वेशंस हमने लिख दी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस। अब करना यह है बेटे आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है एक्स, ठीक है बेटे, फिर एक्स से थोड़ा दूरी पर आप लिखिए वाई, फिर वाई से थोड़ा दूरी पर आप लिखिए वन। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद जो x है
इसके डिनोमिनेटर में हमें कुछ लिखना है, इसलिए मैंने यहां पर ये लाइन लगाई, ऐसे यहां पर, ऐसे ही इस वन के नीचे, ठीक है। तो यही मैं फार्मूला आपको बनाना सिखा रहा हूं कैसे बनता है। अब एक्स के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सबसे पहले आप लिख लीजिए, इस एक्स को छुपा दीजिए पूरा अपने हाथ से कॉपी पे लिख के, और आपके पास ये चार एलिमेंट है, बी वन सी वन बी टू सी टू। तो हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, पहले ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब पहला वाला मल्टीप्लिकेशन जो आएगा पहले वो लिखना है, तो आया बी वन सी टू। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं जिससे आपको समझ आए अच्छे से, बी वन सी टू, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है बी टू सी वन, ठीक है, बी टू सी वन, ओके। और अब दोनों के बीच में लगा देना है नेगेटिव का साइन, सिंपल, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की तरह ही इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना सिंपल है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ओके। अब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालने के लिए बेटे वाई को छुपा देना है, अपने हाथ से छुपा दीजिए वाई को। अब बचा ए वन सी वन ए टू सी टू, ए वन सी वन ए टू सी टू, तो इसमें उल्टी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले हमने ये सिखाया था ऐसे, अभी ऐसे नहीं करना है, अभी ऐसे करना है उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब पहले ऐसे सिखाया था ना, फिर ऐसे, तो अभी पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी वन ए टू, लिख देता हूं मैं यहां पर, सी वन ए टू, और ऐसे ही, अभी पहले ऐसे किया फिर ऐसे करना, ए वन सी टू या सी टू ए वन, कुछ भी, ए वन सी टू भी लिख सकते हैं, सी टू ए वन भी लिख सकते हैं, समझ आया। तो मैं लिख देता हूं सी टू ए वन, और ये कर देते हैं माइनस, सही है, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज कर देनी, क्लियर। अब फिर इस वन को छुपाना है, और जैसे पहला वाला किया था, कैसे किया था पहले वाला, पहले ये डायरेक्शन, वन को छुपा, इस कांस्टेंट को छुपाना है पूरा, तो ऐसे मल्टीप्लाई ए वन बी टू। अभी मैं इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा, वो भी सीख लेना, ए वन बी टू और फिर ऐसे ए टू बी वन, पहले ए वन बी टू फिर ए टू बी वन, ए टू बी वन, और फिर माइनस, समझ आया, ठीक है। अब इसकी एक और टेक्निक देख लेते हैं, एक और टेक्निक। तो बेटा देखिए ऐसा कर सकते हैं आप, ये लिखा आपने ए, ये लिखा आपने बी, और ये लिखा आपने सी, ठीक है, और एक सर्कल बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है जी, ऐसा एक सर्कल बना दीजिए। अब इसमें मैं यहां एरो लगा देता हूं, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, वैसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब एक्स के नीचे क्या लिखना है, देखो बी इंटू सी, दो बार लिखना है बी इंटू सी, दो बार लिखना है, तो बी सी बी सी, पहली बार लिखना है वन टू, फिर लिखना है टू वन, ठीक है ना, कितना ईजी है, वन टू टू वन। फिर आप सी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वाई के नीचे क्या लिखना है, सी ए सी ए, सी से एक ही डायरेक्शन में, सी ए सी ए, पहले वन टू फिर टू वन, इधर वन टू था टू वन था, इधर भी वन टू है टू वन है, और फिर नेक्स्ट टाइम आप ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, तो यहां ए बी ए बी, और फिर से यहां पे वन टू टू वन, और हर किसी के बीच में नेगेटिव है। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है मेमोराइज करने की, और प्रॉपर मैंने मेथड यहां बता दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो बेटे एक बार ये फार्मूला आपको लिखना आ गया, चाहे किसी भी मेथड से आपने सीखा हो, तो आप कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बी वन सी टू, बी वन सी टू यानी ये जो बी वन है इसको इस सी टू से मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू माइनस एट इज माइनस एट, और फिर क्या है बी टू सी वन, टू को माइनस फाइव से इंटू करना है, टू इंटू माइनस फाइव इज माइनस टेन, और बीच में नेगेटिव साइन, जहां मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए, बीच में नेगेटिव साइन, ठीक बात है।
अच्छा अब आगे देखते हैं। अब यहां पर है C1A2, C1A2 मतलब ये जो C1 है इसको A2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × −5 कितना आ जाएगा, C1 × A2, 3 × −5 कितना आ जाएगा, −15, तो यहां पे हम लिख देंगे −15, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, C2 × A1, −8 × 2 कितना होगा, −16 होगा कि नहीं, −16, और बीच में नेगेटिव साइन भी है बेटा, ये नेगेटिव ही है ना, C2 × A1 −16 और ये नेगेटिव भी है, तो −16 कितना हो जाएगा, +16, क्लियर हो गया। एक बारी में लिखना, एक बारी में लिखो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर माइनस ब्रैकेट में −16। अब A1 B2 यानी 2 × 2, 4 हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, 4 हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन है, A2 B1 यानी 3 × 1, 3। अब यहां तक समझ आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस माइनस है इसको कर दिया प्लस, 10 − 8 हो गया 2, तो x/2 इक्वल टू y/16 − 15 हो गया 1, और 1/4 − 3 हो गया 1। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हमेशा ऐसे तीन रेशियो आ जाएंगे, और हर बार करने की टेक्निक ये है, जो पहला रेशियो है वो तीसरे रेशियो के बराबर रखना है, तो मैं रख देता हूं बराबर, ठीक है। और अब यहां से आप 2 को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 = 2, है कि नहीं। इसी तरीके से आप सेकंड रेशियो को, पहला तो तीसरे के बराबर रख दिया, आप सेकंड रेशियो को भी तीसरे के बराबर रखें, यानी y/1 = 1, तो उधर से भी क्रॉस करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस तरीके से आपके दोनों आ जाएंगे। तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीख लीजिए, अच्छा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट में बेटा देखते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन देता है नो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो x का कोफिशियंट 3 है, यहां x का कोफिशियंट 6 है, तो a1 / a2 हो गया 3/6, जो हो जाएगा 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का कोफिशियंट −5 है, यहां y का कोफिशियंट −10 है, कट के नेगेटिव से नेगेटिव कटा और 5/10 हो गया 1/2, ठीक है कि नहीं है, तो 5/10 हो गया 1/2, ओके। c1/c2 तो फिर से वही है, देखो बेटा ये इक्वल 20 के इस तरफ था, तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैं लेफ्ट में लाऊंगा, तो −20 हो जाएगा, उधर तो नहीं रख सकते हैं उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो 40 को भी इधर लाना पड़ेगा, −40 हो जाएगा, इक्वल में 0, तो −20/−40 हो जाएगा 1/2, फिर से कट के, क्योंकि 0 से 0, 2 × 4। अब आप देखिए a1/a2 भी हाफ, b1/b2 भी हाफ और c1/c2 भी हाफ, तो तीनों के तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आई होप क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो फिर सॉल्व नहीं करना, यूनिक पे ही सॉल्व करने को कहा है क्वेश्चन में। फोर्थ पार्ट है, चेक कर लेते हैं। तो यहां बेटे x का कोफिशियंट है 1, y का कोफिशियंट है −3 और c ठीक है लेफ्ट में है, यहां x का कोफिशियंट 3, सबको ठीक है, y का कोफिशियंट −3, c लेफ्ट में, चेक करते हैं। a1/a2 वो हो गया 1/3, b1/b2 हो गया −3/−3, कटने के बाद 1 आ जाएगा, और c1/c2 हो गया −7/−15, 7/15 आ गया। आपने देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ही नहीं है, तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला तो आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, पर बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे आप c1/c2 तो आपने काट के नेगेटिव काट के कर दिया, पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 को −7 ही लेना है, 7 मत ले लेना, c2 −15 ही लेना है, 15 मत ले लेना, कई बच्चे गलत कर देते, मैं बताता हूं, एक बार करके बताता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया था पूरा टेक्निक किस तरीके से करना है, एक्स के अपॉन में कैसे लिखना है बताया था ना मैंने, दो बार लिखिए bc − bc, एक बार फिर मेमोराइज करा रहा हूं कैसे करना है, bc यहां पे होगा 1 2 और यहां पे होगा 2 1, ऐसा, तो फिर b1 को c2 से इंटू करना है, तो −3 को −15 से करना है, 15 से मत कर देना, वो तो सॉल्व करके आगे सिंप्लीफाई करके ही आया था,
तो मैं इसको हटा ही देता हूं आपकी, वरना नजरें अगर यहां पर इधर उधर हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस थ्री इंटू माइनस फिफ्टीन इज 45, तो यहां देख रहे हैं 45 आ गया, सही है। और फिर बीच में नेगेटिव साइन, और अब है b2c1 यानी माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन, माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन कितना है 21, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब y के नीचे क्या आना है, तो वो सर्कल बनाइए जो मैंने सिखाया था आपको। पहले लिखना है दो बार सी ए, ए सी मत लिखना, सी ए, सी ए माइनस सी ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर से ए, ऐसा था। और फिर 1 2 2 1, तो सी वन ए टू, सी वन माइनस सेवन है, ए टू थ्री है, थ्री इंटू माइनस सेवन इज माइनस 21, करेक्ट है। और सी टू ए वन, सी टू माइनस 15 है, ए वन वन है, तो माइनस 15 इंटू वन इज माइनस 15, बीच में नेगेटिव साइन आपको दिख ही रहा है, समझ आ गया। और फिर लास्ट वन के अपॉन में क्या आता है, वन के अपॉन में, तो बी से सी पे गए, सी से ए पे गए, अब ए से बी पर, तो ए बी लिखना है, ए बी माइनस ए बी, और पहले लिखना है 1 2, और फिर लिखना है 2 1। सो आई होप समझ आया आपको अच्छे से, है ना। तो ए वन बी टू, वन इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री, करेक्ट है। और ए टू बी वन, ए टू बी वन हो गया 3 इंटू माइनस 3, वो है माइनस 9, 3 3 9 होता है, 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9, और यहां पे नेगेटिव, बीच में तो नेगेटिव है फार्मूलों में, क्लियर हो गया। अब 45 माइनस 21 24, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6 हो गया, और माइनस माइनस यहां पर भी प्लस, 9 माइनस 3 हो गया 6, यहां पर भी हो गया, समझ में आ गया। अब पहला रेशियो रखना है तीसरे रेशियो के बराबर, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, तो x के नीचे क्या है 24, और 1 के नीचे क्या है 6, ठीक है जी। तो ये रेशियो हमने कर दिया। अब आगे की कैलकुलेशन देखो, डिनोमिनेटर में ये 6 1 6 और 6 4 24, और फिर इस 4 को उधर भेज देंगे 1 के पास मल्टीप्लाई होने, तो 4 इंटू 1 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, बात क्लियर है बेटे। इसी तरीके से सेकंड रेशियो को थर्ड के इक्वल रख देंगे, ये देखिए रखा हुआ है y बाय माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, 6 के कटेगा 6 और माइनस 1 बचेगा यहां पर, उस माइनस 1 को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करने, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1, और इस तरीके से आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 1 हो गया फिनिश, आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।